आप वहाँ सबसे मिल सकते हैं, सब लोग वहाँ बैठते हैं। तो हम यही एक बार बार आग्रह करते रहे कि खेती को अपनाइए, कोई दिक्कत हो तो जिला कृषि कार्यालय आप लोग आते हैं, वहाँ सबसे मिलिए, अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराइए। हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उसका निराकरण किसी न किसी तरह किया जाए, जो हमारे तसर से हो सके वो करेंगे, नहीं तो अगर हमारे ऊपर के बड़े पदाधिकारी द्वारा किया जा सकता है तो उनसे भी आग्रह करेंगे। और फील्ड लेवल पे आपके पास टीम है जो हमारे एंटरटेन कर पा रहे हैं, नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, तो आप स्वयं चले आइए, नंबर सबका है इंटरनेट पे, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, सबका नंबर, सारे पदाधिकारी का नंबर उस पर लगा है, आप किसी को भी फोन कर सकते हैं, कोई भी आपको आपकी समस्या का निराकरण कर सकता है। तो थोड़ा हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि अभी भी हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी नए आए हैं, लेकिन किसानों का जो जुड़ाव है वो अपने तक ही सीमित है, कृषि विभाग से लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं ज्यादा। कार्यालय नहीं आइएगा तो कैसे पता चलेगा, कम से कम कार्यालय आना चाहिए तो एक बार पता चलता है चीजों की आपकी क्या समस्याएं हैं। इन सब चीजों से हम सोचे हैं कि आप लोग थोड़ा अवगत होइए और हमारे कृषि विभाग से जुड़िए, तब जाके ताकि किसानों को भी सही लाभ मिल सके, जो योजनाएं आ रही है उसके बारे में हम आप लोगों को बता सकें, और आप भी उसका, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है पुराने, हम जब देखते हैं तो एक ही व्यक्ति बार बार एक ही योजना का लाभ ले रहा है, तो उसके लिए हम लोग भी आते हैं, आप भी थोड़ा सा अपने तरफ से थोड़ा सा जाके जुड़िए, किसी विभाग से आइएगा, जुड़िएगा तो पता चलेंगे क्या योजनाएं चल रही हैं। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य खत्म करना चाहेंगे, नहीं जाएंगे, सभी से आग्रह है, धन्यवाद धन्यवाद। तो हमने अभी चर्चा करी थी धान के लिए, और धान में अभी आपको बस यही तीन समस्या अभी आएगी तत्काल रूप में। कल अंशु जी बता रहे थे कि आपको सबसे ज्यादा रबी में जो है वो सीड बॉर्न, उन्होंने कहा था कि बीज जनित रोग, अब बीज जनित रोग आपको जरूर देखना पड़ेगा, इसका बीज उपचार उन्होंने बताया है कि आपको कार्बंडाजिम वेरेस्टिन भी उसमें कार्बंडाजिम होता है, तो आप मुख्य केमिकल जो कार्बंडाजिम है इसका 2 ग्राम प्रति केजी बीज ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का आप लोग नोटिफाइड जो सीड है जिसमें अभी टाइमली सोइंग वैरायटी जो है वह RNG 49, RNG 749, लेट वैरायटी में आपको राजेंद्र सुफलम जो है आपको लगभग 15 दिसंबर तक भी लगा सकते हैं, इसका बहुत बड़ा रेंज है। आप लोग सरसों में बायर का लगाते हैं, लेकिन पिछले साल बायर का से ज्यादा अच्छा राजेंद्र सुफलम का रिजल्ट है, ये आप ही लोगों के द्वारा दिया गया। और रहा दलहन की फसल की बात, तो दलहन में बीज उपचार के लिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज ये आपकी इच्छा है, नहीं तो उठाते हैं सर पे चना का बोरा और ले जाकर के खेत में डालते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, कितने आदमी है कि दलहन में बीज उपचार करते हैं, एक भी आदमी आपको नहीं मिले के कारण कि हम दलहन में बीज उपचार करते हैं। देवराज जी, दुबे जी, मीडिया के बंधु उमेश जी, दिनेश पांडे जी, हमारे सभी लोग उपस्थित हुए हैं, जो आप लोगों को बताया गया है इस प्रशिक्षण कार्य में आप लोग अमल कीजिए, इसको ध्यान पूर्वक सुन के, और जो हमारे रतन सर जी बताए हैं कि धान में जो रोग लगा हुआ है, अभी मधुआ है, अभी मधुआ लगने वाला है, ये सब हम लोगों के सामने समस्या है, तो ये सब पर ध्यान दीजिए। और कई योजना है जो हमारे कृषि विभाग में, हमारे कार्यालय में आकर आप लोग संपर्क कीजिए, हमारे सर बताए कि आप लोगों से जो है कम लोग ही जाते हैं ऑफिस में, जिला में बहुत कम लोग जाते हैं, प्रखंड में भी कम लोग जाते हैं, अभी हम लोगों को बीज मिलेगा गेहूं का, आप लोग आइएगा तभी कोई संभव है। और उसके बाद जो हमारे कई योजना है, कई लोग हैं, जैसे कि हम लोग नया खेती किए थे, पिछले बार हम खेती किए थे काला गेहूं का, अच्छा उत्पादन भी हुआ,
और उसी समय 60 रुपए के जी भी किया। आप लोग भी नया खेती कीजिए। इसी के साथ हम अपना